जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड हवलदार शिवरतन सिंह लक्की डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और ओनर। तो आज आपको मैं डेमो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप रैली भर्ती के अंदर क्या क्या गलतियां करते हैं। 4 से 5 पॉइंट आज मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना यदि आपको भर्ती रैली में आपको सिलेक्शन देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको सबसे आगे बैठने की कोशिश करना है, समझ आया? जैसे 250 का या 300 का बैच बन रहा है तो सबसे आगे बैठने की कोशिश करना, उतना आपको तेज होना पड़ेगा, उतनी आपको चटकी मारनी पड़ेगी। सबसे आगे या फर्स्ट सेकेंड रो या थर्ड रो तक जिस बंदे का सबसे पीछे नंबर आ जाता है, ऐसे तो नहीं कि सभी सब पीछे आगे बैठेंगे, लेकिन जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कम से कम ये कोशिश करना कि हम सबसे आगे बैठें, जिससे हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो बंदों को काटने के अंदर। नंबर एक पॉइंट। अब नंबर टू पॉइंट हम लेंगे कि 250 या 300 का बेच बनता है, समझ में आ गया? 250 या 300 का बेच बनता है, उसके अंदर यदि 300 का बेच बना है तो 50 बंदों से ही आपका कंपटीशन है। 250 बंदे एक भीड़ का हिस्सा है, क्या एक भीड़ का हिस्सा है, तो इसमें आपको घबराहट नहीं होनी। इसकी वजह से क्या होता है, कई बंदों को घबराहट हो जाती है, खासकर जो मेरे भाई पहली बार भर्ती देखने जा रहे हैं उनको काफी घबराहट और एक डर हो जाता है। तो उस चीज से आपको डरना नहीं है, मैं बता दिया आपको, प्रैक्टिकली ग्राउंड की चीज बता रहा हूं। यदि 300 का बैच बन रहा है तो उसके अंदर ओनली आपका कंपटीशन 50 बंदों से ही है, 250 बंदे एक भीड़ का हिस्सा है। जो 250 बंदे पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में सब अंदर हो जाएंगे, लास्ट में 30, 40 और 50 बंदे ही लगभग बचते हैं। ये हो गया क्लियर आपको, तो उससे आपको डरना नहीं, एक डर वाला पॉइंट भी इसके साथ मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद क्या होता है, कुछ बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, घर पे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, ओनली रनिंग रनिंग की, किसकी ओनली रनिंग की, बाकी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। यहाँ एकेडमी में मैं बंदों की थाई की होगी, पेट की होगी, चेस्ट की होगी, ए टू जेड पूरी बॉडी की एक्सरसाइज और साथ में उनकी रनिंग की प्रैक्टिस होती है। तो इसका फायदा क्या मिलने वाला है, इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि वहां भर्ती रैली के अंदर आप लोग 2.5 से 3 घंटा, इतना ही 2.5 से 3 घंटा बैठे रहते हो ना, तो 2.5 से 3 घंटा बंदा बैठा बैठा क्या होता है, उसके पैर जाम हो जाते हैं या पैरों में सुन हो जाती है, उस बंदे की होती है जिसने कभी कोई किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं की है, उस बंदे के पैर जाम हो जाते हैं और वो बंदा रनिंग नहीं क्लियर कर पाता। मेरे पास ये भी सब ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं कि सर मेरा 4:40, 4:50 या 5 मिनट मेरा टाइम आता था घर पे, लेकिन मैं भर्ती क्लियर नहीं कर पाया। भर्ती क्लियर नहीं कर पाया उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि आप लोग बाकी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करते। तो मेरे भाई आप बॉडी की एक्सरसाइज भी आपको अलग अलग डे वाइज, जैसे एक दिन थाई की, एक दिन पेट की, एक दिन चेस्ट की, अलग अलग आपको एक्सरसाइज इनकी करनी है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में एक होता है कि हमारे को एक बचपन से सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं या कोई मोड़ पे जा रहे हैं, हाईवे पे लिखा रहता है ना स्टॉप, लुक और गो, वो हमारे को एक पढ़ा दिया जाता है, हमारे दिमाग में बैठा दिया जाता है कि पहले देखो, रुको, देखो और फिर जाओ, स्टॉप, लुक और गो। तो ये एक मानसिकता रहती है हमारी, लेकिन वो सोच रोड हाईवे के ऊपर हमारे को लागू होती है, ना कि भर्ती के ग्राउंड के अंदर। भर्ती ग्राउंड में आपको पता है कि 4 चक्कर और 4 टर्निंग आते हैं, यानी 4 मोड़ आती है, उसका मैं डेमो दूंगा आपको। रेडी हो? यस सर। इसके लिए क्या करोगे, जो भी आपका मोड या टर्निंग आता है उसके अंदर आपको ढीला नहीं पड़ना है, उस मोड में आपको स्पीड से दौड़ना है। किससे दौड़ना है, स्पीड से दौड़ना है। अब आप मानोगे नहीं, 4 चक्कर यानी 16 मोड आ गई आपकी, तो उसमें 2-2, 3-3 सेकंड भी हमारी क्या कम होती है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, टाइम ज्यादा आता है। तो इसलिए आपका जो भी टर्निंग आ रहा है ग्राउंड का, जो भी टर्निंग है, 4 टर्निंग है, उसमें आपको उसी स्पीड से जैसे नॉर्मल प्लेन में दौड़ रहे उसी स्पीड में आपको टर्निंग के माध्यम से आपको दौड़ना है। अभी जैसे 200 मीटर का ट्रैक है और 400 मीटर का ट्रैक दिखाना वो बाहर है, तो मैं 200 मीटर के ट्रैक के अंदर आपको इसमें प्रैक्टिस एक डेमो के माध्यम से बताऊंगा कि बच्चों को कैसे दौड़ना। जैसे ये मोड दिखाना है, ये मोड है, तो मोड में हम क्या करते हैं, ढीला पड़ जाते हैं, ढीला नहीं पड़ना, जैसे मोड आता है उसमें और स्पीड से, इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। रेडी हो? ये देख रहे हो, ओए कटने मारेगा कोई, तो जैसे एक मोड आ गया, जस्ट आगे मोड आ गया, उसके आगे भी एक मोड आएगा, उसके आगे भी 4 मोड यानी 4 टर्निंग आएंगे, उनको दिखाते रहना, चारों टर्निंग में आपको ढीला नहीं पड़ना है, स्पीड से भागना है, तो आपकी 10 से 12 सेकंड आपकी और अच्छी आपकी प्रोग्रेस होगी। इस हिसाब से आपको ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करनी है, मेरी एकेडमी में इसी प्रकार से प्रैक्टिस कराता हूं। देख के बंदे आगे, स्टॉप, हाँ उधर ही,
ये अभी मतलब इस हिसाब से मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, तो आपको भी इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। 200 मीटर का ट्रैक बनाया हुआ है, 400 का बार, दो ट्रैक है मेरे पास, एक 200 मीटर का है, एक 400 का। तो अभी 200 के माध्यम से मैंने आपको डेमो के माध्यम से बताया कि मोड़ों के अंदर आपको धीरा नहीं पड़ना है। जब भी आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो या कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने भी आपके मोड है उसमें स्पीड से 10-12 सेकंड आपके कवर होंगे इसके अंदर, ये मेन पॉइंट रहता है। दूसरा, सांस भर जाती है, कई बंदों की सांस भरती है ना, तो लंबा सांस लेना नाक से, दौड़ते दौड़ते रुकना नहीं है उसके अंदर। आज का लास्ट पॉइंट कवर करना चाहूंगा कि काफी बंदे गिर जाते हैं। गिरते कौन है, जिनके मतलब पैर सुन हो जाते हैं बैठे बैठे, जैसे 2-3 घंटा बैठा के रखेंगे आपको, अलग अलग बाड़े से अलग अलग बाड़े के अंदर ले जाएंगे, तो उसके अंदर क्या है, जिन बंदों के थाई वगैरह मजबूत नहीं है, वो रनिंग तो ठीक कर रहे हैं, प्रैक्टिस ठीक थी उनकी, लेकिन उतना पैर वगैरह मजबूत नहीं है, तो उसमें क्या होता है, पैर सुन हो जाता है और रेडी गो बोलते हैं उनको, या तो कोई धक्का मार देता है या बंदा अपने जोर से ही गिर जाता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो बंदा गिर जाता है। इसमें अभी मेरा एक बच्चा गिर गया था, जबकि बहुत अच्छी, वो 20-25 दिन के लिए आया था, 20-25 क्या 15-20 दिन मेरे पास रुका था, फिर भी इतना बेस्ट स्टूडेंट था मेरा वो, लेकिन किसी कारणवश उसको गिरा दिया गया था, समझ में आया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, गिरना नहीं है, और रनिंग के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। वैसे भी आप पता ही, आपको फौज में जाने के बाद आपका 6 महीने का जो रिक्रूट ट्रेनिंग होगा, जो बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको पूरी एक्सरसाइज कराई जाती है, लेकिन उससे पहले भी आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। तो ये 4 से 5 बातें जो मैंने बताई है, तो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखें। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो एकेडमी में आता है थोड़ा टाइम लेके आए, कम से कम मेरे को 2-3 महीने का टाइम दे, जैसे मैं उस बच्चे की अच्छी तैयारी करा पाऊँ, और इस हिसाब से आना कि यहाँ बिल्कुल मजबूती के साथ आना। मेरे पास आते हो तो टाइम पास के लिए मेरे पास नहीं आना, मेरे को इतना टाइम भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। और दूसरा एक ये होता है कि यदि आप लोगों ने अभी टाइम के साथ टाइम पास किया है, तो बेटा जी टाइम तुम्हारे साथ फिर ऐसा टाइम पास करेगा कि हाथ लगा लगा के देखोगे कि हो क्या गया। मेरा कहने का मतलब समझ गए थे, इंडियन आर्मी का आपको वर्दी चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी और ये वर्दी हासिल होगी। तो आज का वीडियो शायद मेरे कई भाइयों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लक्की डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करना, जैसे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप लोग अपना ऐसे प्यार देते रहना। जय हिंद, जय भारत।